तो इतने समय तक आप कुछ इस टाइप के दिखने वाले स्पीकर्स को लेके ही प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते होंगे, जिनके अंदर मोस्टली ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आपका जो ये आइटम है यहाँ से निकल जाता है। और ये बेचारा इतना महंगा स्पीकर किसी भी काम का नहीं रहता है, ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। ये वाला जोड़ा देख लीजिए, इसके अंदर भी सेम चीज़ हो रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये साइड में इसकी बॉडी पर पावर देखे और पता नहीं कैसे कैसे कनेक्शन कर रखे हैं, और ये स्पीकर टोटली अब वेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि पहले जितना इनका बैकअप आता था, जितना इनका पावर आता था, वो सब अब लगभग खत्म हो चुका है। तो मैंने सोचा हटाओ इस बीमारी को, कुछ अच्छा पीस लेके आते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मस्त और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के अंदर आने वाले कुछ ये इस टाइप के न्योडिमियम स्पीकर। तो ये आपने अगर फर्स्ट टाइम देखे तो मुझे बताना, और किसने किसने ये फर्स्ट टाइम देखे हैं, किसने किसने नहीं देखे हैं, एक बार कमेंट के अंदर ज़रूर से बताना। क्यों? क्योंकि इन स्पीकर्स का मैं करने वाला हूँ गिव अवे इस ही वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा अच्छे लाइक के ऊपर आएगा, जिसके कमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, मैं उसी को ये गिव अवे करूँगा, एंड उसका प्रॉपर एक व्लॉग भी आएगा मेरे चैनल पे। तो फिलहाल के लिए ये स्पीकर हैं और इनके बारे में आज आपको बहुत ही अच्छे डिटेल्स देने वाला हूँ। मैंने इन स्पीकर को बहुत जगह ढूंढा और फाइनली ये मुझे मिल गए, तो मैंने इन पर सोचा कि एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इस स्पीकर की खासियत ही उतनी ज़्यादा है। और अगर कोई लोग बाग ऐसे हैं जो कि प्रोजेक्ट्स मेकिंग करते हैं और DIY टाइप के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, जो इस टाइप के स्पीकर को यूज़ कर करके बोर हो चुके हैं, तो उनके लिए मैं बहुत ही अच्छे आइडियाज़ लेके आया हूँ इन स्पीकर के साथ में। ये आपको दिखने में तो बहुत ज़्यादा छोटे दिख रहे हैं, लेकिन इनकी पावर बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है और बहुत ही मस्त इनका परफॉर्मेंस है। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए एक बार यह फर्स्ट लुक चेक कीजिए इन स्पीकर का, बिल्कुल छोटे छोटे स्पीकर है। तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि स्पीकर बेसिकली कहाँ यूज़ होते हैं। तो अभी जितने भी न्यू LEDs वगैरह आते हैं, उनके अंदर मोस्टली आपको यही स्पीकर देखने को मिलता है। और इनका खासियत क्या है, इनकी जो आवाज़ है वो एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर होती है, प्लस उसी के साथ में इनका जो वॉइस क्वालिटी है बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है। प्लस इनके अंदर ट्रेबल के लिए भी खुद से ही सारा सिस्टम होता है, तो आपको कोई अलग से ट्विटर वगैरह भी नहीं लगाना रहता है। और इनके अंदर इतना डिसेंट बेस है कि ये एक TV के साउंड को मैनेज कर सकते हैं। तो आपके LED के अंदर भी कुछ इस टाइप के स्पीकर ही होंगे, अगर आपने कभी खोली है तो, और अगर आपने नहीं खोली है, भविष्य में कभी काम पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली ये स्पीकर काम आते हैं। और अगर मैं इनके आपको मोटाई बताना चाहूँ कि कितना बड़ा है, तो मैं आपको दिखा दूँ, एक यहाँ पर नॉर्मल अपना फेराइट मैग्नेट का स्पीकर है, और इसी के साथ में यहाँ पर ये दो न्योडिमियम के स्पीकर है, इनको आप कंपेयर कर सकते हैं साइड बाय साइड। तो ये लगभग कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्त साइज़ के अंदर आते हैं भाई साहब। और इनकी मैग्नेट चेक करो एक बार, कितनी छोटी मैग्नेट है, प्लस ये जो फेराइट मैग्नेट की मैग्नेट चेक कीजिए एक बार, कितनी बड़ी मैग्नेट है, हैवी भी बहुत ज़्यादा है। कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर वजन भी बढ़ जाता है। प्लस एक चीज़ आपको हैरान कर देगी, इसकी जो साउंड क्वालिटी है उससे 3 गुना ज़्यादा इसकी अकेले की साउंड क्वालिटी है। तो आप सोच सकते हैं, एक स्पीकर ये और एक स्पीकर ये, जस्ट आप ये देख सकते हैं केवल इतना सा होगा। मैं आपको एक बार स्केल से इसका साइज़ भी दिखाता हूँ, रात पड़े स्केल तो मिला नहीं, मैं एक पेन से आपको आइडिया लगा देता हूँ कि ये कितना बड़ा है। आप ये देख सकते हैं, ये पेन का साइज़ है, और ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्पीकर आपका। अगर दोनों को अपन लगाएं साइड बाई साइड तो भी ये एक पेन की लेंथ जितना है। तो जो लोग अपनी वीडियो के अंदर कुछ इस टाइप के आइटम को दिखा के एक्चुअल साइज़ को नहीं बताते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो उनके लिए मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ कि भाई साहब ये छोटी साइज़ का स्पीकर है, लेकिन बहुत ही मस्त इसकी आवाज़ रहने वाली है भाई साहब। जब मैं आपको इसका साउंड टेस्ट दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब आपको पता चलेगा। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ये स्पीकर मैंने क्यों परचेज़ किया, और मैं इसका गिव अवे भी करने वाला हूँ। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आपको पता ही है क्या करना रहेगा। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ भाई साहब, ये कितने रुपये का है, कितने टाइप के एम्पलीफायर पर सपोर्ट करेगा, एंड इसके साथ तो मैं ये कितने वोट का है, कितने ओम का है, सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले बात करें भाई साहब, ये इसकी पावर कितनी है, आउटपुट कितना है, सब कुछ है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 4 ओम का ये स्पीकर है, प्लस 5 वोट का स्पीकर है। और जहाँ कहीं देखा जाए कि बहुत कंपनियों के स्पीकर आते हैं 4 ओम 10 ओम कुछ भी लिख देते हैं, मन चाहे तो चिपका देते हैं, लेकिन उतना रियल वैल्यू उसके अंदर होता नहीं है। लेकिन इसके अंदर मैंने चेक किया है, इसका एम्पलीफायर एम्पियर भी बहुत अच्छे ले रहा है, प्लस ये स्पीकर लोड भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, और 4 ओम इसका लोड 100% है, प्लस 5 वोट के आसपास का साउंड आउटपुट का डिलीवरी इसका आ रहा है। और उसी के साथ में इसका भी मैंने चेक किया, बेसिकली दोनों बहुत ही मस्त आउटपुट दे रहे हैं। और उसी के साथ में इनके ऊपर मैं बात करूँ डिज़ाइन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये वूफर कोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। प्लस इसके सराउंड पे मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रबर सराउंड नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी बेसिकली, मैं केवल उसी चीज़ को सोच रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मटेरियल क्वालिटी है कुछ अलग टाइप का है, ये रबर सराउंड नहीं है, लेकिन अगर ये रबर सराउंड होती तो इसका प्राइस जस्ट 3 या 4 गुना होता, अपने को इतना सस्ते में नहीं मिलता।
तो मैं बता देता हूँ बाज़ार में ये मुझे कितने का मिला है। मुझे मिला है भाई साहब 60 रुपये पर पीस के हिसाब से, सिंगल पीस 60 रुपये का, ये वाला भी 60 का, ये वाला भी 60 का, और मैं इसे टोटली 5 पीस लेके आया हूँ, जिसमें से कुछ मैं अपने लिए रख लूँगा और ये 2 का मैं गिव अवे करने वाला हूँ। तो आपके एरिया में अगर ये आइटम मिलता है तो बताना कितने का मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग ये 30-40 रुपये से ज़्यादा का आइटम नहीं है, लेकिन जो कलाकारी इसके अंदर दिखाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। और उसी साथ में मैं इसके ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, जो कि आपको ना इस टाइप के स्पीकर में देखने को मिलेगी और ना ही आपको कुछ इस टाइप के स्पीकर के अंदर देखने को मिलने वाली है। एक चीज़ आपको बता दूं, बाज़ार के अंदर जो आपको 1000, 1100, 1200 रुपये तक की साउंड बार जितनी भी देखने को मिलती है, उनके सब के अंदर भाई साहब ये इस टाइप के ही लगते हैं सारे स्पीकर, और इससे बेकार ही लगते होंगे, बढ़िया मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मोस्टली में मुझे ये इस टाइप का स्पीकर देखने को मिला है। और जो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, जिनके अंदर इस टाइप का स्पीकर हिडन करके लगाया जाता है, छुपा के लगाया जाता है, और एक रेडिएटर लगाया जाता है, जिससे बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी डिलीवर होता है। तो अगर आप कोई भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, एक अगर अच्छा साउंड बार बनाने का ट्राई कर रहे हैं, तो इससे अगर आप बनाओगे तो आपको बहुत ही मस्त आवाज़ देखने को मिलेगी। प्लस इसकी जो साउंड है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसकी आवाज़ के अंदर ना तो एक्स्ट्रा नॉइज़ है जो कि शार्पनेस होती है, मतलब कि तीखी तीखी आवाज़ आप बोल सकते हैं, जो कि बेसिकली डिस्टोर्शन होता है ना, तो अच्छे से सुनाई देता है, वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर आपको बहुत ही मस्त क्लियर आवाज़ देखने को मिलेगी। प्लस इस स्पीकर के इंक्लोज़र के बारे में बात कर लें तो इसको कोई ज़्यादा एरिया भी नहीं चाहिए रहता है, मतलब कि इसको स्पीकर को आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंक्लोज़र भी दोगे, छोटा मोटा बॉक्स भी बनाओगे किसी भी टाइप का, तो भी चलेगा। और इसके लिए लगभग एक, मैं आपको बता दूं तो आप एक ट्यूब शेप का बना सकते हैं, या फिर आप सिरेनिकल डिज़ाइन देख सकते हैं, किसी भी टाइप का आपके हिसाब से एक नॉर्मल आप बॉक्स बनाओगे तो इसके अंदर आपको बहुत ही मस्त आवाज़ देखने को मिलेगी। अगर स्पीकर खरीदना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, और कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर से बताना। मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका साउंड टेस्ट भी आ जाएगा।